अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये आपकी इंग्लिश 9th क्लास की बुक यूनिट नंबर 9 पेज नंबर 95। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ। एंड वर्क विद हर, और इस पर काम करना चाहती हूँ मोर क्लोजली, ज़्यादा करीब से। द सीनियर नर्स लुक एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा। विद अटर सरप्राइज, इंतहाई हैरत के साथ। एंड रिमार्क, और जुमला उछाला, दैट शी हैड ऑर्डर्स, के उसको अहकाम मिले हैं फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज, उस डॉक्टर से जो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है, टू शिफ्ट, के मुंतकिल कर दिया जाए हर टू द जनरल वार्ड, आम वार्ड में दाखिल कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर सोचते हैं, डॉक्टरों ने सोचा, दैट शी वॉज अ होपलेस केस, के वो एक मायूस कुन मामला है। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड, और बेड को खाली कर देना चाहिए फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों के लिए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, ये सुनकर मैं सख्त हैरान हुई। द पेशेंट्स फैमिली, मरीजा का खानदान, ऑल्सो रिक्वेस्टेड, मरीजा के खानदान ने दरख्वास्त की मी मुझसे, टू हेल्प दम, कि वो उनकी मदद करें, फाइट द केस, इस मामले को लड़ें। समथिंग needed to be done, कुछ किया जाना चाहिए। I could not leave my patient, मैं अपनी मरीजा को नहीं छोड़ सकती, fighting a lost battle, एक हारी हुई जंग लड़ते, on her own, अपनी मदद आपके तहत। I made up my mind, मैंने इरादा कर लिया, to risk my career, अपने मुस्तकबिल को खतरे में डालने का, and help the patient, और मरीजा की मदद करने का। I requested the senior doctor, मैंने senior doctor से दरख्वास्त की, to allow, कि वो मुझे इजाज़त दें, to allow me, कि वो मुझे इजाज़त दें, to attend, कि मैं देखभाल कर सकूँ, to this young, इस नौजवान helpless बेबस patient मरीजा का। Somehow, किसी तरह, I was able, मैं इस काबिल हुई, to make the patient, मैं इस काबिल हो गई कि मरीजा को stay in the ICU, के मरीजा को ICU में रखा जाए। I continued to work on हीरा, मैंने हीरा पर काम जारी रखा। But she was no making much recovery, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। I felt as helpless, और मैं बेबस महसूस कर रही थी, as she was, जैसा कि वो, to see her lie, अपने आप को लेटे हुए ऑन बेड, बिस्तर पर, इन अ मेजरेबल स्टेट, खस्ता हाली में, कुड बी एबल टू जस्टिफाई, क्या मैं जवाब पेश कर सकूंगी माई स्टैंड, अपने मौकिफ का, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स के सामने। आई डिडंट लूज होप, और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोई। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट, मैंने मरीजा पर मेहनत जारी रखी। एंड कैप डूइंग एक्सरसाइजेस, और वर्जिशें करवाती रही विद हर, उसको ग्रेजुअली, आहिस्ता से। आई कुड सी, मैंने देखा, हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, कि उसमें हल्की सी सेहतयाबी हुई है। वन डे, एक दिन, आई वॉज फिल्ड, मैं हैरान रह गई या सनसनी खेज रह गई, टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। आई वॉज सेंट और अ 3 month ट्रेनिंग कोर्स, मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेज दिया गया टू कराची। कराची, आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट, मैंने मुकम्मल कोशिशें की, टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, कि मैं अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में छोड़कर जाऊँ। आई रिटर्न आफ्टर 3 months, मैं 3 माह के बाद वापस आई, टू सी माई पेशेंट्स बेड, और अपनी मरीजा के बिस्तर को देखा, टेकन अप बाय अनदर, जो किसी और ने ले लिया था। माई फीट फ्रोजन, मेरे पैर जम गए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। आई डिडंट हैव द करेज टू आस्क, और मेरे में पूछने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, वॉट हैपेंड, क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड, जैसे कि मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चंस, बहुत से सवालात पॉपिंग उछल रहे थे इन माई माइंड, मेरे दिमाग में। आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, मैंने एक नर्म थपकी अपने कंधे पर महसूस की। आई टर्न अराउंड, मैंने मुड़कर देखा, टू सी अ यंग वुमन, एक नौजवान लड़की,
स्माइलिंग एट मी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या तुम अपनी मरीजा को ढूंढ रही हो? शी सेड, उसने कहा. एंड गिव मी अ बिग हग, और मुझे गले लगा लिया. थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, बहुत शुक्रिया उस हर चीज़ के लिए जो तुमने किया. आई नो यू डिडेंट अलाउ दम, मुझे पता है तुम्हें इस सब की इजाज़त नहीं थी. टू टेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, आई नो यू डिडेंट अलाउ, तुमने इस बात की इजाज़त नहीं दी दम उन्हें. टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, एक काबिल रहम जिंदगी गुजारने के लिए. आई स्टूड स्टिल, मैं साकिन खड़ी थी. अंटिल हर फैमिली, यहाँ तक कि उसका खानदान, केम अराउंड विद बिग स्माइल्स, मेरे इर्द गिर्द मेरे पास आया बहुत बड़ी मुस्कुरावटों के साथ. ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर. थैंक टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी. स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, अपने पैरों पर चल रही थी और खड़ी थी. आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर, मैं उसको नहीं पहचान पाई. विदाउट द मशीनरी, मशीनों के बगैर. एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, और उसके जिस्म पर लगी हुई नालियों के बगैर. शी वॉक्ड ऑन क्रचेस, और वो बिसाखियों के साथ चल रही थी. विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जो कि वो कुछ ही महीनों में छोड़ने वाली थी. आई वॉज सो ग्लैड, मैं बहुत खुश थी दैट आई हैड डन दोज एक्सरसाइज, मैंने वो वर्जिशें करवाई उसे, ऑन हर, उसे करवाई. टू कीप हर लिम्स, ताकि उसके पट्टे रहें इन मोशन, हरकत में. आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, के मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया. बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सबसे ज़्यादा, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी, कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की. विन आर लॉस बैटल, एक हारी हुई जंग को जीतने में. शी एंड हर फैमिली, वो और उसका खानदान, हैड एंटर्ड इन टू आ कंसीडरेबल, उसका खानदान मेरे साथ कंसीडरेबल बॉन्ड, एक काफ़ी अच्छे ताल्लुक में ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के विद मी, मेरे साथ बन गए थे. आई वॉज हम्बल, मैं आजिज थी बाय देयर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, उनके तशक्कुर के एहसास से टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ. आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ, और मैंने महसूस की एक नई ताकत इन मी, अपने अंदर. वेयर देयर इज अ वेल, देयर इज अ वे, जहाँ राह होती है वहाँ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है. आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, और मुझे एक नर्स होने पर बहुत फख्र है. तो जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.